दोस्तों, उर्दू से हिंदी सीखे का ये हमारा सबक नंबर 11 है और आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी शब्द या हर्फ औ पर। तो हिंदी जबान में औ का इस्तेमाल क्या है, आज इसकी तफसील और मात्रा पर मैं बात करूंगी। तो आप सबसे पहले ये याद रखिए कि औ जो साउंड है वो अलिफ, जबर और वाव के साथ उर्दू में बनता है। वैसे ही हिंदी के जो स्क्रिप्ट है हिंदी की, उसमें औ एक इंडिपेंडेंट हर्फ है। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं और लिखा हुआ है, उर्दू में हमें अलिफ, वाव और जबर की जरूरत पड़ती है और इसके मुकाबले हिंदी में औ एक हर्फ है जिसकी मदद से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहला जो मैंने लफ्ज लिया है वो अलिफ, जबर, वाव, औ और रे और है, जबकि हिंदी में औ और रा और है। उसके बाद है औलाद, औ ला में आ की मात्रा और दा औलाद। उसके बाद है औरत। तो दोस्तों याद रखिए, मैं यहाँ पर साउंड की बात कर रही हूँ, तो हालांकि उर्दू में ऐन से लिखा जाता है औरत, लेकिन हिंदी में औ, रा और ता औरत। फिर है औजार, औ और फिर उसके बाद जामिया की मात्रा, इसके नीचे एक डॉट और रा औजार। फिर है औसत, औ सा और ता औसत। उसके बाद है औकात, औ कामया की मात्रा, नीचे एक डॉट का और ता औकात। फिर है औषधि। दोस्तों औषधि हिंदी का लफ्ज है जो संस्कृत से आया है और उसका मतलब होता है दवाई या दवा। तो औ फिर षटकोर्षा, धा में छोटी ई की मात्रा, औषधि। फिर है औरंगजेब, औ रा में चंद बिंदु, गा औरंग और फिर जेब, औरंगजेब। अब हम आते हैं औ की मात्रा से बनने वाले अल्फाज पर, यानी वो शब्द जो औ की मात्रा लगाने पे शुरू होते हैं। और उर्दू में आप देख सकते हैं मीम वाव, उसके ऊपर एक जबर अप्लाइड होगा, मौ और जी मौज। हिंदी में माँ और उसमें औ की मात्रा और जा। तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब हम मात्रा फॉर्म करते हैं तो औ की मात्रा के लिए हम दो ऐसे बना देते हैं लूप बना के, स्लैंटिंग लाइन, वो हो जाता है औ की मात्रा। जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको ओ की मात्रा बताई थी, उसमें एक है ये, और इसमें आपको ये दो लगाने पड़ेंगे औ की मात्रा के लिए। और औरा, और फिर है मौत, मा में औ की मात्रा और ता मौत। फिर है दौड़, दा में औ की मात्रा और रा दौड़। फौजी, फा यानी फा के नीचे एक बिंदी और औ की मात्रा, जा में बड़ी की मात्रा, फौजी। फिर है फौज, पा में औ की मात्रा और जा फौज। फिर है चौकी, चा में औ की मात्रा और का में बड़ी ई की मात्रा, चौकी। फिर है नौका, नौका कहते हैं नाव को, हिंदी शब्द है, हिंदी का लफ्ज है, ना में औ की मात्रा और का में आ की मात्रा, नौका। फिर है सौदा, सा में औ की मात्रा और दा में आ की मात्रा, सौदा। फिर है बौना, बा में औ की मात्रा और ना में आ की मात्रा। तो दोस्तों एक फर्क है हिंदी और उर्दू में कि जब हम उर्दू में बोना लफ्ज लिखते हैं, यानी जैसे बीज बोना, पेड़ बोना, तो उसके लिए हम हिंदी में ऊ की मात्रा लगाते हैं, यानी कि एक लूप के साथ ऊ की मात्रा हम लगाते हैं और ना में आ की मात्रा, बोना। तो ये याद रखिएगा कि उर्दू और हिंदी में ये फर्क होता है, बोना और बौना, जबकि उर्दू में दोनों एक ही तरह से लिखे जाते हैं। फिर है शौक, शा में औ की मात्रा और का में नीचे बिंदी, शौक। तौहीन,
ता में ओ की मात्रा, हा में बड़ी की मात्रा ना, तो ही सौतेला। सा में ओ की मात्रा, ता में ए की मात्रा और ला में आ की मात्रा, सौतेला। फिर है मौसम, मा में ओ की मात्रा, सा और मा मौसम। फिर है चौराहा, चा में ओ की मात्रा, रा में आ की मात्रा और हा में आ की मात्रा, चौराहा। फिर है मौलाना, मा में ओ की मात्रा, ला में आ की मात्रा और ना में आ की मात्रा, मौलाना। उसी तरह से मौलवी, मा में ओ की मात्रा, ला वा में ई की मात्रा, मौलवी। फिर है फौरन, फा बनाया है हमने एक डॉट लगा के फा के नीचे, उसमें ओ की मात्रा, रा और ना, फौरन। फिर है जौहर, जा में ओ की मात्रा, हा रा जौहर। फिर है हौसला, हा में ओ की मात्रा, सा ला में आ की मात्रा, हौसला। और फिर उसके बाद है तौर, ता में ओ की मात्रा और रा तौर। फिर है चौधरी, चा में ओ की मात्रा, धा रा में की मात्रा, चौधरी। फिर है खौफ, खा बनाया है हमने डॉट लगा के खा खा का और फा को फा बनाया है डॉट लगा के, उसमें ओ की मात्रा, खौफ। मौजूदगी, फिर मा में ओ की मात्रा, जा में बड़े ऊ की मात्रा, द में द और गा में बड़ी की मात्रा, मौजूदगी। फिर है नौजवान, ना में ओ की मात्रा, ज व में आ की मात्रा, ना नौजवान। उसके बाद है खिलौना, खा में ई की छोटी की मात्रा, ला में ओ की मात्रा, ना में आ की मात्रा, खिलौना। फिर है जौहरी, जा में ओ की मात्रा, हा और रा में ई की मात्रा। और उसके बाद है रौनक, रा में ओ की मात्रा, का रा में ओ की मात्रा, ना का और उसके नीचे एक डॉट लगा के हमने उसे का बनाया है, रौनक। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए ये हमारी पेशकश थी। अगले सबक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।